सर आईटी डीसी देखे। आईटीडीसी सीमेंटेशन, अलग जी हमने तो आपके चैनल पे रिकमेंड भी किया था इसको, नहीं और सर हम लोगों ने सिमेंटेशन नहीं, भी। आईटीडीसी। अच्छा, आईटीडीसी, ओके, इंडियन इंडिया टूरिज्म। टूरिज्म जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जी ओके, दो लास्ट के दिनों में तो काफी अच्छा इसमें देखे हैं कि मतलब आज सोलह भी काफी अच्छी तेजी है, 16% और परसेंट हो दो जाता दिन। है सर आज ही। आज हाँ ही हाँ हाँ तो देखिए, इसमें ये अशोका ग्रुप ऑफ होटल ये होल्ड करते थे आईटीडीसी, उसमें से कई चीजें इन्होंने फिर उसको वो कर रहे हैं, बेच रहे हैं धीरे धीरे या लीज पे दे रहे हैं। बिजनेस एज सच बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है, बट ठीक है, इनके पास एसेट्स हैं, उस एसेट्स को अगर ठीक से मोनेटाइजेशन हो जाता है तो वो ठीक होगा। इसमें बार बार जहां पर रुकावट आ रही है वो 450 रुपए के आसपास है, और उसके ऊपर अगर चलता है, और अभी थोड़ा पीएसयू थीम जो है एलेक्स जी, एक तरह से कह लें कि लाइमलाइट में है, क्योंकि बजट राउंड द कॉर्नर भी है, तो बहुत लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, मार्केट भी उम्मीद करता है, जैसे रेलवे स्टॉक काफी चल गया अभी तो, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है इसमें, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसमें अगर 450, लेकिन काफी दूर है वो, तो अगर यहाँ पर लेना है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवर नहीं करता, थोड़ा नीचे आ जाए तो लें, 360 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें, और उसके बाद अगर 450 ब्रेक कर जाए, ये ध्यान रखिए, तो एक बड़ी तेजी इस स्टॉक में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा, और काफी अच्छी तेजी हो सकता है कि 150 से 200 रुपए तेज हो सकता है स्टॉक। कंसोलिडेशन हो रहा है पॉजिटिव कनोटेशन पे, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो आपको हमेशा पोजिशन आपको निचले स्तरों पर करना चाहिए, ताकि आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आ जाए, थोड़ा सा ही लें अगर लेना है तो, और वेट करें कि जहां कहीं हिट मारे तब लें इसको। जी, तो ये है राय आईटीडीसी पे।